है जी हमारा स्टिकर ट्रैवल डीम पर्पस। और जिस गेस्ट हाउस में हम रुके हुए थे ये है सोनम गेस्ट हाउस, जो कि हाल ही में है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम जा रहे हैं उमिंग लॉजिस के लिए, कि ये पूरा ट्रिप प्लान किया था और यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास उमिंगला है और 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में लग जाते हैं। और दो रूट है यहाँ से उमिंगला जाने के लिए, एक है जो कि फोटिला होके जाता है, एक है नुगुला होके जाता है। फोटिला थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है वहाँ पर, और बट रोड अच्छा है। तो अभी देखते हैं कौन से रूट से हम जाएंगे। वैसे अभी नुगुला की तरफ से शायद जाएंगे और आते वक्त शायद फोटिला से आ जाएँ, तो जैसे भी रहेगा अपडेट आपको पता चल ही जाएगा। और अभी 9 बजे हैं तो 2 बजे तक हम वापस आने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आज हम न्योमा तक पहुंच पाए। रजनीश जी बिल्कुल रेडी हैं सबसे पहले हमेशा की तरह, और हमारे प्यारे सोनी साहब रेडी हो चुके हैं। साडे बंदे बहुत लेट तैयार होंगे ना, शुक्र है अच्छा है कि हले मेकअप नहीं करते। तो बाइक्स भी रेडी हैं और सामान जो हमने यहीं पे छोड़ दिया सारा, ताकि थोड़ा वेट कम रहे। और एक ये बाइक है, ये बाइक है, सिर्फ टैंक बैग और आगे के बैग हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो चलिए निकलते हैं। तो ऑल सेट, सो गाइज अभी हम जा रहे हैं उमिंगला और भैया आए हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से, प्रॉपर मुंबई से। आप? हाँ प्रॉपर नागपुर से हूँ, राइड मुंबई से स्टार्ट किया। कितना दिन हो गए आपको? मुझे 8-10 दिन हो गए ऑलमोस्ट। 8-10 दिन में यहाँ पहुँच गए? 8-10 दिन में। अच्छा, दस दिन में आप यहाँ पहुँच गए, बहुत अच्छी। हमें 6 दिन हो गए, और खास करके सोलो, मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था सोलो किया था। 100 किलोमीटर जाना हमारी तो हमें तब दिक्कत होनी शुरू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दो बाइक्स पीछे रह गई। आ रहे हैं वो, अभी दूर है थोड़ा। चले चलो सर। ऐसे पता कर लो, मिंजा यही रास्ता है। आज फुल डे ऑफ रोडिंग करनी है, ये तो पता हो चल चुका है, क्योंकि बिल्कुल भी रोड नहीं है हैनले के पास। टोटली ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है और बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा रास्ता है कि कुछ भी नहीं समझ में आता कि कहाँ जाना है। सिर्फ टायरों के निशान देख देख के आप अपने ही रास्ते बनाते हैं और उन रास्तों पे चलना पड़ता है आपको, तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो जाता है और समझ में नहीं आता कि किस तरफ जाना है। गिर गई। इसको बांधना पड़ेगा यहाँ पे। कहाँ पे है कुछ? एक रुको, आई थिंक पिछले 25-30 किलोमीटर से ऐसा ही रोड है और बहुत मज़ा आ रहा है यार, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। वहाँ पहुँच गए एकदम से, एकदम हाइट गेन करते। अभी हम जो बाइक्स हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब लोड ले रही हैं, क्योंकि ना एकदम से हाइट हम गेन करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं, और रोड भी बिल्कुल ऑफ रोडिंग तो है ही। खैर और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पूरा आप देख रहे हैं नीचे, ये इसी यहीं से हम आए हैं। रोड नहीं है बट जो ऑफ रोडिंग है कुछ भी कही, पूरा हम क्रॉस करके आए हैं। ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर का वो पूरा स्ट्रेच था और बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल खाली स्ट्रेट था, प्लेन था, कुछ ज़्यादा हाइट नहीं थी। बट एक अभी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है और बाइक्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब इंजन जो है बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ रही है। ये जो रोड है ना
थोड़ा सा संभल के चलने वाला है और हम जो है धीरे 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 हाइट गेन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर ली हमने पिछले 4-5 किलोमीटर में। तो बाइक की आवाज़ फेल हो रही है। ओ वाह, बाप रे बाप, ऐसे लग रहा है कि वो रास्ता वो इधर चलो उतर ही लो उतने में से ये पास, ये नोबुल्ला पास, ये वो आ गया ना पक्का रास्ता, वो आ गया। वो रास्ता जाता उधर को नोबुल्ला को? नहीं नहीं, हाँ वो कोटुल्ला इधर है सर, इधर है कोटुल्ला को हम क्रॉस कर रहे हैं, वो इधर जाना है। ये नोबुला पास है शायद? नहीं नहीं, निर्बुला आगे है। तो ये कौन सा है? ये कुछ नहीं है, अभी टारमेक रोड आई है। अच्छा, ये उसकी सेलिब्रेशन चल रही है। सेलिब्रेशन है और आगे क्या है? इधर निर्बुला, इस तरफ को मेरा ख्याल ना न्यूमा विलेज कुछ आता है इधर से, तो डैम चौक वगैरह होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं डैम चौक तो आएगा उमलिंगला से आगे। अच्छा। 25 किलोमीटर, मजा आ गया, हमने वहाँ से वापस आ जाना। हाँ मजा आ गया सर सबको, मेरे को तो ऑफ रोडिंग करके मजा आ गया यार। हैं? मैं तो मैं फुल ऑन, मैं स्पीड खींच दो मस्ती में मस्ती मतलब मेरे को बैटरी चलाने में मुश्किल हो रही थी। हाँ हाँ, इट वाज सो स्लिपरी, हाँ इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मतलब हल्की है ना बाइक। हाँ हाँ, और वो पीछे से टायर है, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा था। और बढ़िया चला रहे थे आप? हाँ बढ़िया, तो पता नहीं अब चल रहा है बट कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को पीछे। पीछे भी हम क्रॉस करके आए, वो निबोला टोपी था और निबोला पास बोल सकते हैं आप उसको, और अभी जो है एकदम टामक रोड आ चुकी है और बहुत ही शानदार रोड है अभी। इधर भाई इधर जाना है, आइए लिखा हो ना गेट वे टू बिंगला। आने दो है ना, आज से 4-5 साल पहले तो यहाँ पर आने की आप सोच भी नहीं सकते थे और अभी जो है बीआरओ ने इतनी बढ़िया रोड बना दी यहाँ पे। यहाँ मत रोको सर, ज्यादा रुकना नहीं है ना, उमिंगला ही रुकना है, नहीं तो फिर यहीं पे हालत खराब हो जाएगी। यार ज्यादा रुकेंगे ना तो फिर वही दिक्कत आएगी। टाइम कितना हुआ? टाइम पता नहीं सर, 11:30 12 बजे तक हमें वहाँ आना चाहिए। आपने इसका टाइम सेट नहीं किया हुआ ना? इसका टाइम सेट किया मैं करता हूँ। अभी हम है एवरेस्ट बेस कैंप से भी ज्यादा हाइट पर, एंड अमेजिंग।
अभी थोड़ी थोड़ी सांस फूलने लग गई है। एंड ये हमारी बीस्ट जो यहाँ तक पहुँच गई। पिघल गई है, चलूंगा तो मैं बहुत आराम। अचीवमेंट, वाह। वन थाउजेंड मीटर टू रीच मिंगला। कितने किलोमीटर है? यहाँ की नहीं बनाएंगे तो कहाँ की बनाएंगे? ऑक्सीजन कैफे। लो सर, लो सर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे। एक मिनट सर। फाइनली रिच सर, फाइनली, फाइनली सर, finally umlingla 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 laga। धीरे 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 सारे एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। नहीं तो अभी मजे ले रहे हैं कॉफी का, और वो भी वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर। सो चीयर्स। नाइस। पंजाब, ये पंजाब से मैं, दिल्ली से, पठानकोट से, सभी जगह से। आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ। कैम जे आर के। कैम जे आर के। कैम जे आर के। यस सर, कैसी फीलिंग है? अमेजिंग, अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात है बोदा जी, जिन जा गए तुम भी सर, थोड़ा उन्होंने आता। हां हां, हम तो ठीक है। उन सब इधर देखो, इधर देखो। स्कूटी आप कहाँ से लाए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? वहीं से। ओ वाओ, अमेजिंग, ग्रेट, ग्रेट, ओके, सुपर्ब। और ये भाई अपना प्लैटिना पे आए 100 सीसी। वाओ 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 वाओ, अमेजिंग अमेजिंग ग्रुप। सर हमारे पास भी है, हमारे पास भी है हीरो, हमारे पास भी हीरो। सर डबल टफ है, मैं सिंगल टफ। ये जो हीरो है ना, अमेजिंग, सबसे छोटा मैं हूँ यहाँ पे।
सबसे छोटे है, आप सबसे बड़े हो, ये सबसे छोटे हैं। सर अभी निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, बेगैर कुछ कुछ लोग तो एक घंटा रुक जाते हैं। झंडा फोटो खिंचवा रहे थे। ये भी सेकंड टाइम है। रजनीश लास्ट ही रहते, लास्ट ही रहते। हाँ हाँ, लास्ट। अभी हमें नकुला टॉप, नकुला टॉप पर, और यहाँ पर थोड़ा सा चुशुल करने के लिए रुके थे, और व्यू तो आप देख ही सकते हैं यार, व्हाट ए व्यू। ये है नकुला टॉप, वाह बड़ी शांति है यहाँ पे। जल्दी कवर कर लिया। हाँ वो पूरा 10 किलोमीटर था वो पूरा घूमना। हाँ इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि रास्ता कौन सा है। हाँ ये क्या है कि ये वैसे कच्चा रास्ता है, अभी कच्चा तो वो भी था, वो कौन सा पक्का। हाँ। किधर से निकले? साफ दिख रहा पानी। शॉर्टकट मार लिया। हाँ बहुत शॉर्टकट मारा हमने, बहुत लंबा 10-15 किलोमीटर का। सो अभी निकलते हैं, 3:30 बज गए हैं। न्यूमा आज स्टे करना है, 2 घंटे तो ऑलमोस्ट लग ही जाएंगे। सर थोड़ा आगे
सो भी हम पहुंच चुके हैं और अभी हमारा जो होम स्टे है आज काफ़ी कुछ किया, मतलब उमिंगला जो कि हमारा ड्रीम था इस राइड का वो भी कंप्लीट किया हमने और बहुत मज़ा आया और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, उससे बेस्ट। तो बस अभी के लिए बस यही है और खास कुछ नहीं है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। कल कहाँ तक पहुँचते हैं वो आप पता चल जाएगा वैसे शायद, और शायद मनाली पहुँच जाएँ हम कल, देखते हैं जहाँ भी पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा। सो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Tell me what dreamer and find your purpose.